इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाले थे। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। पीएम ने जम्मू कश्मीर में सौगातों को लेकर उन्होंने जो है बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आजादी के बाद से लगातार अस्थिरता बनी रही, जिस प्रकार से हमने भी देखा जम्मू कश्मीर से आतंक अलगाववाद की खबरें सामने आती रही, वहीं अब ये कश्मीर नित नए विकास के कीर्तिमान को छू रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को भी 400 करोड़ की सौगात मिली, उच्च शिक्षा विभाग में नई अधोसंरचना की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री का उन्होंने आभार भी जताया। इस बात के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनने जम्मू कश्मीर से एक तरह से आजादी के बाद जिस स्थान पर लगातार अस्थिरता बनी रही, जहां विकास की धारा अवरुद्ध हुई, जहां से आतंकवाद पनपा, ऐसी जगह शांति का संदेश लेकर के न केवल ट्रेन की सौगात थी बल्कि उच्च शिक्षा से लेकर के सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर को देश के अग्रगण्य राज्यों में एक स्थापित करने का स्थान बनवाया। मैं ये देश की एकता अखंडता के लिए माननीय प्रधानमंत्री के इस योगदान को कभी न भूलने वाला काम बताना चाहूँगा।